प्रयागराज में जो क्रिमिनल्स हैं, जो माफिया है, उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ इस तरीके के शासन के निर्देश पे चल रही हैं, उसमें 48वीं कार्रवाई है। आज जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, आसिफ उर्फ दुरानी एवं राशिद के द्वारा जो है अवैध रूप से निर्मित भवन को गिराया जा रहा है, और यह लगभग 400 वर्ग गज में निर्मित है, अवैध रूप से निर्मित है, और इसकी कीमत जमीन सहित लगभग 4 करोड़ है। और इसके अलावा भी और कार्रवाइयाँ होनी है, आज संभव हुआ तो आज, नहीं तो आगे चलती रहेंगी, जारी रहेंगी। मैं आलोक कुमार पांडे, विशेष कार्य अधिकारी, PDA।